Jesus, 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 sweetest name I know.
Zeit der Gnade. अभी भी अनुग्रह का समय है. हे प्रभु, प्रभु का जो मेमना है, परमेश्वर का जो मेमना है, तेरा जो बलिदान है वो संपूर्ण है और तूने हमारे पापों के छुटकारे के लिए सब कुछ कर दिया. और इस संसार पे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता. तेरे नाम के जैसा अद्भुत और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु. और जो लहू है वो अभी भी वेदी के ऊपर पाया जाता है. प्रभु हमारे पापों को याद नहीं रखता, क्षमा कर चुका है. और जो सूरज जो है वो अच्छे और बुरे दोनों के ऊपर रोशनी देता है, अपना प्रकाश देता है. और हे प्रभु के परमेश्वर के मेमने, तेरे के ऊपर तेरे लिए सारी महिमा है. तूने जो बलिदान दिया हम उसके अति आभारी हैं प्रभु, तेरे शुक्रगुजार हैं. हम तेरे राज्य के लोग हैं क्योंकि इस धरती पर कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे जो कि तेरे नाम के जैसा महिमामयी हो. और अगर प्रभु तो सहायता करे और अगर हम चाहें तो आज भी हमारे लिए सुसमाचार है, आज भी उद्धार का समय है. और हर एक उस दर्द के लिए, हर दुख के लिए हमें चमत्कारिक रूप से चंगाई मिलती है. Lob und Dank sei dem Herrn. Ein völliges Heil, völlige Erlösung hat der Herr. सारी प्रशंसा और सारा आदर और सारी महिमा, धन्यवाद प्रभु को हो.
और एक संपूर्ण उद्धार का कार्य हमारे लिए प्रभु ने कर दिया। उसने क्रूस के ऊपर सारा कुछ हमारे लिए कर दिया। और जैसा बहनों ने गाया, हम बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं इस सुबह के लिए। हम सभी भाई बहनों को सारी संसार में एक बार फिर, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उन आशीषों को पाने के लिए, उसके अद्भुत वचन की आशीषों को पाने के लिए, मैं सारे भाई बहनों का अभिनंदन करता हूँ। और क्रेफेल्ड में और आसपास भी, और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं संसार में, और प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और अच्छा होता कि अगर आज इस बिल्डिंग में ऐसा मुनासिब होता कि आप लोग यहाँ बैठकर कुर्सियों पर और चेयर्स पर बैठ के अपनी सीट्स पर बैठकर और आनंद लेते इस जगह से, पर बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र प्रभु होने देगा कि हम इस प्रकार, और हो सकता अगले महीने से प्रभु की अनुग्रह हुआ, प्रभु की इच्छा हुई, तो हम ये कर पाएंगे। और हमने रात को जो सुना उससे हम बहुत धन्यवादी हैं। हमने यहोशू के बारे में सुना कि क्योंकि उस किस प्रकार से प्रभु के आत्मा ने उसको उभारा और उसको इतनी सामर्थ्य मिली कि वो सूरज और चंद्रमा को भी आज्ञा दे सकता कि वो रुक जाओ, तो वो रुक गए। हम प्रभु के धन्यवादी हैं। और हमें दिन की रोशनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय प्रकाश की जरूरत थी। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, युद्ध चल रहा था, रोशनी की जरूरत थी। इसीलिए प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया, अरेंजमेंट कर दिया कि सूरज रुक जाए। हम अपने आज के दिन के समय को और इस संदेश को दोनों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और जान गए हैं कि प्रभु ने इस समय में, परमेश्वर ने इस समय में एक नबी भेजकर हमारे को प्रकाशित किया अपने गुप्त भेदों के द्वारा, और अपने प्रकाशित वचन के द्वारा परमेश्वर ने, खुदा ने उन गुप्त भेदों को हम पर प्रकाशित कर दिया। और हमें ये पता है कि आज भी प्रभु इस समय भी हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या योजना है उसकी। और वो हमें अपने इस वचन में वो हिस्सा दे जो अब हम सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि भाई स्मिथ हमारे साथ प्रार्थना करें, और रोमियो आठ और अट्ठाईस, और हम जानते हैं, पौलुस कह रहा है कि हम जानते हैं, बहुत धन्यवाद, हम भी जानते हैं, जो सुन रहे हैं हम भी जानते हैं, जैसे कि यहुन्ना ने अपनी पत्री में लिखा कि परमेश्वर का पुत्र आया, और जो सच्चा है उसका ज्ञान हमें हुआ। इसी प्रकार हम आज ये भी जानते हैं, पत्रस पौलुस कह रहा है रोमियो में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर
जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें अपनी महिमा भी दी है। और आगे चलते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा उनको देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर हैं। क्या ये साफ साफ बातें संदेश में नहीं लिखी हुई? क्या ये बिल्कुल साफ नहीं लिखा हुआ? और प्रभु का पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे ऊपर प्रकाशित करता है, दिखाता है। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से, खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है? हम बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि वो मुझे और आपको उसने चुन लिया, सृष्टि से पहले, दुनिया बनाने से पहले चुन लिया कि हम उसके वचन को सुन सकें, उसके वचन को सीख सकें और उसके अनुसार अपने जीवनों को चला सकें, और सारे भाई बहनों को प्रभु आशीषित करे और हमें भी आशीषित करे और हमारी अगुवाई करे। प्रभु हम सबको आशीष दे। भाई स्मिथ, आप कृपया आएं और प्रार्थना करें। Himmlischer Vater, wir sind hier und alle die anwesend sind, o Herr, हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने उपस्थित हैं, जो भी इस संसार के में जहां जहां भी उपस्थित हैं तेरे आगे। और प्रभु, जैसा हमने सुना कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता तेरे उस प्रेम से, ये लिखा है, ना तो ऊंचाई ना गहराई, कोई और भी चीज हमें तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है, हमारे स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमको अनुग्रह दिया है और मुझे भी अनुग्रह दिया है कि इन समयों के बारे में हम जान सकें, जो तेरे आगमन के, तेरी आमद के पहले अभी चल रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना वचन हमको दिया, और ये नहीं कि कोई अनुवाद या बाहर की शिक्षा, नहीं, कोई अनुवाद नहीं, कोई बाहर का अनुवाद नहीं, तूने अनुग्रह के द्वारा सारे भाई बहनों को
जो तेरे वचन को ग्रहण करते हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं, तूने हम सबको, मैं दोबारा कहता हूँ प्रभु, अरे प्रभु हम सबको ऐसा होने दे, एक ऐसी इच्छा दे, एक ऐसी अभिलाषा दे कि तेरी महिमा हो, हे प्रभु केवल तेरी महिमा हो, और प्रभु हम पर दया कर, जैसा कहा गया कि सारे संसार के लिए हमें अनुग्रह दे कि जो कुछ भी हमारे सामने लाया जाता है और ये प्रभु का अनंत काल का वचन है, और प्रभु उन होठों को आशीषित कर, उनको मुबारक कर जिनके द्वारा तू ये वचन बोलता है, केवल ज्ञान नहीं प्रभु पर तेरी महिमा के लिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारा धन्यवाद हमारे दिलों से। कोई कह सकता है हमने सुना, इसके सरमन सुना, कितना अनुग्रह है के प्रभु के वचन को हम प्राप्त कर पाएं, ग्रहण कर पाएं और विश्वास कर पाएं, और उस वचन में हमारा हिस्सा हो, हमारा भी अंश हो, प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया है। और साधारणता बोल रहा हूँ, हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरते हैं, पर सारा संसार भी, और जो राजनीति के नेता हैं वो भी, और ऐसी कंडीशन से आज तक कभी ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी, ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी, कभी मलेरिया हुआ था और छोटी मोटी चीजें हुई थी। आज जो हो रहा है, आज देखिए, आज जो हो रहा है ये कंप्लीट लोगों के नियंत्रण से, काबू से बाहर है, लोग बेबस हो गए हैं, और जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस, राजनीति के नेता हैं, और वो भी अब बेबस हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने कहा था कि ऐसा होगा, और एक अंत समय का एक समय है जिसमें लिखा गया है कि भूचाल आएंगे, लड़ाइयां होंगी, और वातावरण में गर्मी आ जाएगी, वातावरण में बदलाव आ जाएगा। ये देखिए, हम सारी चीजें देख रहे हैं, गवाही, ये गवाही हमारे सामने है। उसके बाद देखिए, रैप्चर के बाद देखिए क्या होता है। जो अविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते, वो उसका अनुभव करेंगे। जो अविश्वासी हैं रैप्चर के बाद में, वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर जाओ और हमको ढांक दो जिससे हम मर जाएं। और रैप्चर के बाद ऐसा समय आ रहा है कि 3.5 साल जब दो नबी आएंगे, दो गवाह आएंगे, उसके बाद महामारी का और महाप्रकोप का समय आ जाएगा, और 7 तुरहियों का जो न्याय है वो सामने आ जाएगा, और 7 कटोरों का जो कष्ट है वो आ जाएगा यहाँ इस संसार पर। और इस संसार में पर हमारे लिए देखिए क्या है, हम
हम तो अपनी संपूर्णता को और अपनी सिद्धता का अनुभव करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल रहा है। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, इतनी फोन कॉल्स आज आई, आज मेरे को आए, आज सुबह भी आए, और फिर इतनी सारी फोन कॉल आई, भाइयों ने फोन किया और भाई एली ने कहा कनंगा से, भाई फ्रैंक बहुत आभारी हैं कि प्रभु ने अपने नबी को भेजा, और थैंकफुल इसलिए ज्यादा भी हैं कि आप इस संदेश को आगे ले जा पाए, ये सेवा आपको मिली कि हम उस संदेश को सुन पा रहे हैं। और कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु किस प्रकार से और बहुत सारे नाम मेरे सामने हैं, प्रभु सबको आशीष दे। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, और सारे लोग, सारी जुबानों के लोग, सारे देशों के लोग, सारे राष्ट्रों के लोग, जो प्रभु ने आज हमारे लिए तैयार किया है, निर्धारित किया, और उसने अपनी कलीसिया के लिए जो उसने निर्धारित किया वो आज हो रहा है, और जो उसने इज़राइल के लिए किया वो भी हो रहा है, और जो देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए किया हो रहा है, ये हो रहा है इस समय हमारे सामने घटित हो रहा है। और प्रभु हमारे प्रभु ने कहा, जब तुम इन चीजों को अपनी आंखों से होता हुआ देखो, अपने आंखों से होता हुआ देखो, तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, तब तुमको पता है कि अब तुम्हारा उद्धार का कार्य कितना निकट है। तुम्हारे शरीर का जो उद्धार होना, यानी कि तुम्हारी इस देह का इन बॉडीज का जो बदल जाना है, वो कितना नजदीक है। मैं भाई ताती के बारे में बता रहा हूं कि वो कह रहे थे उन्होंने करीब 30 देशों में मेरे साथ भ्रमण किया, उन्होंने देखा कि जमीन पर प्रभु क्या क्या कर रहा है। प्रभु सबको आशीष दे। और मैंने कहा हमारे और भी भाई जो हम सबके नाम चाहे ना लें, मैं तो कह सकता हूं शुरू से कि भाई ब्रैनम के जाने के बाद प्रभु ने क्या क्या किया स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, क्या क्या किया प्रभु ने, और सारे संसार में देखिए, और ईस्टर्न यूरोप में देखिए, वहां प्रभु ने कितने बड़े काम किए, और सारे संसार में। मैं तो देश देश का नाम लेकर कह सकता हूं, नगर नगर का नाम लेकर कह सकता हूं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, सारे भाइयों को जानता हूं जिनको प्रभु ने बड़ी आशीष दी। मैं कह सकता हूं जो स्विट्जरलैंड में मेरे भाई हैं, आप सबको प्रभु बड़े अद्भुत तरीके से, और ऑस्ट्रिया में आप सबको अद्भुत तरीके से प्रभु बड़ी आशीष दे। मैं कह सकता हूं एक बार फिर कि जो सच्चे विश्वासी हैं इन तीन देशों से, ये सारे संसार के मिशन के काम को करते हैं। और अगर आप जाने कि जितने टीवी स्टेशन हैं, 118 स्टेशन हैं, 118 जो स्टेशन हैं, टीवी स्टेशन नहीं, स्टेशन हैं, उनकी देखभाल
और उनकी सहायता वो करते हैं और प्रभु ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये तीन जर्मन बोलने वाले कंट्रियों के जिनके मैंने नाम बताए प्रभु ने और प्रभु ऐसा होने दे कि उनके ऊपर अपनी खास आशीष प्रभु उंडेल दे। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं कि हम उस कार्य में जो प्रभु इस समय कर रहा है हम जानते हैं कि हमारा उसमें कितना अंश है, कितना पार्टिसिपेशन है और हम अगर हम बार बार नबी का नाम यूज करें और उनके और सबके भी अपने अपने प्रॉफिट हैं, जितने डिनोमिनेशन हैं, सब संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने भी नबी हैं, अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। और मैं पूछता हूं क्या जो इस्लामिक फेथ के भाई हैं, लोग हैं, हो सकता वो मेरे से नाराज ना हो कि नबी जो है शायद वो बहुत अहमियत रखता है और एक कथा इस प्रकार से है कि प्रॉफिट मोहम्मद और सफेद घोड़े पर जीवित होकर गए और वो जहां गए उस सफेद घोड़े पर तो वो जहां पर गए तो वो उस गुंबद से उस पहाड़ से गए जिसको आज टेंपल माउंट कहते हैं और वो स्वर्ग की ओर गए और सफेद घोड़े पर बैठकर और वो ये कहते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसका जो गुंबद है और आज भी वो उसको क्लेम करते हैं और आज भी उसको उसके बारे में कहते हैं पर जो इस प्रकाशित वचन और परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जो यरूशलेम से प्रभु ने दिया आगे क्या भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे प्रभु ने कहा कि प्रभु का जो वचन है वो यरूशलेम से प्रभु का वचन यरूशलेम से शिक्षा प्रचार की जाएगी और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना और नए नियम की कलीसिया की जो जड़ है जो नींव है वो यरूशलेम में पाई जाती है और यरूशलेम से ही प्रभु ने और यहीं से प्रभु ने शुरुआत करी और यहीं से प्रभु उसकी समाप्ति करेगा और ऐसा लिखा है कि प्रभु अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और उस पर बैठकर जब वो न्याय करेगा तो जैसे कि ये गडरिया भेड़ों और बकरियों को अलग करता है वो भी लोगों को अलग करेगा। हम बहुत सारे संदर्भों को यहां से पढ़ सकते हैं, जकराया 14 में पढ़ सकते हैं जब प्रभु अपने पैर अब जैतून के पहाड़ पर रखेगा उतरेगा तो जैतून का जो पहाड़ है इसका एक बहुत महत्व है। मत्ती 24 लूका 21 ये जो संदर्भ है कि प्रभु जैतून के पहाड़ पर बैठेगा और मंदिर के सामने
उसने अपने चार शागिर्दों को चार शिष्यों को कहा और उनको बता दिया कि क्या होने वाला है बाद में जब मरकुस को बताया गया कि वहां जैतून के पहाड़ पर वहां से बैठकर मंदिर जो है वो और बीच की घाटी ये सब दूर तक साफ साफ दिखाई देता है और गतसमनी का बगीचा भी दिखता है और मंदिर भी दिखाई देता है और वहां बैठकर प्रभु ने कहा हे यरूशलम अगर तूने अपने समय को निहारा होता अगर तूने अपने समय को समझा होता और यूहन्ना 19 में देखिए क्या लिखा है और प्रेरित बड़े उसके चेले बड़े खुश थे और महिमा कर रहे थे धन्यवाद कर रहे थे आनंद से भरे हुए थे और खजूर की डालियां लेकर आ रहे थे और सारा रास्ता जो था प्रभु के लिए सजा दिया गया था और उसके लिए आनंदित थे और उसके चेलों ने इस बात को समझ लिया था कि उनके समय में कौन आया ये कौन मनुष्य है ये जिसका इतना आदर सत्कार हो रहा वो समझ गए थे वो जान गए थे और शास्त्री लोग आए और महायाजक आए और कहने लगे कि वो इतने मतवाले होकर चिल्ला रहे थे और वो कहने लगे हे प्रभु इनको मना कर ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं खामोश हो जाएं तो प्रभु ने कहा अगर ये खामोश हो गए तो ये पत्थर चिल्ला पड़ेंगे क्योंकि प्रभु अपने काम की गवाही आप दे रहा है ये तो इंसान चिल्ला रहे अगर मैंने इनको चुप करा दिया तो ये पत्थर भी गवाही देने लगेंगे कि प्रभु अपना काम कर रहा है परमेश्वर अपना काम कर रहा है अगर हम भाई ब्रैनम के बारे में बताते हैं जब हम उसको नबी के बारे में कहते हैं क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के बारे में कहा था कि मैं एलाइजा के रूप में तुम्हारे पास नबी भेजूंगा और प्रभु के उस क्रोधित दिन से और उस भयंकर दिन के आने से पहले ये कोई नई शिक्षा लेकर कोई आदमी नहीं आने वाला हम एक ऐसे मनुष्य की बात कर रहे हैं जो इस स्थान पर आया धरती पर आया और जिसने आखिरी संदेश में कहा कि जो संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद से पहले आने वाला है ये उस उचित सुसमाचार को उस आरंभिक सुसमाचार को लेकर उसने प्रचार किया और बताया ये उसने संदेश हमें दिया कि ये उस संदेश की तरफ हमें लेकर जाएगा उस आरंभ की नींव की तरफ हमको लेकर जाएगा जो प्रेरितों के समय से शुरू हुई थी और गलतियों 1:8 में वहां पौलुस ने कहा अगर कोई और सुसमाचार आकर तुम्हें सुनाए इसके अलावा जो हमने तुम्हें सुनाया वो श्रापित हो लोग आशीष के बारे में कर सकते हैं अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि ये वो शीशा है ये वो आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं और इसलिए मेरे भाई और बहनों हर एक संप्रदाय जो है वो अपनी हैसियत अपने में रखता है वो अपने अपने शिक्षाओं में अपनी बात रखता है
पर जो प्रभु का जो प्रभु का की जो सच्ची कलीसिया है और प्रभु के चुने हुओं पर कौन इल्जाम लगा सकता है, उसकी कलीसिया पर कौन इल्जाम लगा सकता है। और जैसा कि वचन हमें बताता है उस पर कौन दोष लगा सकता है, हम इस चीज को मानते हैं कि 100% हमको वापसी मिली है, बहाली मिली है खुदा के कलाम वचन पर जाने की। और जिस प्रकार पॉल इफिसियों 2:20 में पौलुस कहता है कि हमारी नींव उन बातों पर पड़ी जो प्रेरितों की शिक्षा है और नबियों की शिक्षा है, भविष्यवक्ताओं की शिक्षा पर हमारी नींव है। और अब क्या होने वाला है, और वो जो प्रेरित हैं और उन्होंने इस चीज की गवाही दी, और भाइयों बहनों अगर हम इसके बारे में सोचें कि प्रभु ने इस सब की रखवाली करी, सुरक्षा करी, संभाला इसको, कि प्रभु का जो आना है, दोबारा आना है, 19 संदर्भ हमको मिलते हैं, 19 रेफरेंस हमको मिलते हैं। और बार बार वहां पर जो शब्द लिखा है वो लिखा है रिटर्न, मतलब वापसी, रिटर्न। बहुत से ट्रांसलेशन में लिखा है वहां पर वो आने के, प्रभु के आने के बारे में बोल रहा है, नहीं, पर जो सही वर्ड है, जो असली वर्ड है वो है वापसी। वो वापसी, प्रभु की वापसी केवल एक है। प्रभु का आना, आगमन तो बहुत है, प्रभु का आना तो बहुत है, बट प्रभु की जो वापसी है, क्योंकि वो कहता है यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जिससे कि मैं वापस आऊंगा, यानी के रिटर्न, यानी के वापसी, जिससे कि तुम वहां पर रह सको जहां मैं हूं। और इसकी सिद्धता बहुत जल्दी, इसका कंप्लीशन बहुत जल्दी होने वाला है प्रभु की वापसी पर, जबकि प्रभु में जो सोए हैं, जो मरे हैं प्रभु में, वो पहले जी उठेंगे, और तब जो जिंदा हैं वो उसी समय पलक झपकते ही बदल जाएंगे, और एक साथ मिल करके प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे। हम कितने ज्यादा आभारी हो सकते हैं इस बात के लिए कि उस समय हम प्रभु के साथ होंगे। ये हम प्रभु के साथ उस विवाह का जो भोज होगा, वो जो मैरिज सफर होगा, हम उसमें भागीदार होंगे, हम उसमें शरीक होंगे। अब हम कुछ संदेश पढ़ेंगे, कुछ संदर्भ पढ़ेंगे जो हमें बता रहे हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से उनके सवालों के जवाब दिए, उनके जवाब दिए। 3 सवाल थे कि ये कब होगा और इसका चिन्ह क्या होगा और तुम्हारी वापसी का चिन्ह क्या होगा और इस संसार के नष्ट होने का चिन्ह क्या होगा। 3 सवाल थे। और राजनीतिक लोग भी ये बोलते हैं, वो भी आज आखिरी समयों की बात कर रहे हैं, वो भी अंत समय की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे संसार को ये मानना पड़ेगा, सारे संसार को पहचानना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे निरंतर नहीं चलता रहेगा। प्रभु की एक योजना है, प्रभु ने जिस प्रकार 6 दिन में सृष्टि करी और उसने 7वें दिन विश्राम किया, इसी प्रकार से अब 6,000 साल जा चुके हैं, 6,000 साल आदम के जमाने से जा चुके हैं, और प्रभु की वापसी लाजमी है और बहुत जल्दी है। और जो सातवां दिन, यानी कि मिलेनियम, 1,000 साल की बादशाहत वो होने जाएगी, तब
उसके बाद समय खत्म हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, और जिनको अनंत जीवन मिला है वो प्रभु के साथ अनंत जीवन में जीवित रहेंगे, क्योंकि समय उसके बाद नहीं होगा, समय की समाप्ति हो जाएगी। और मत्ती 24 में देखिए, मत्ती 14 में प्रभु ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और प्रकाशित वाक्य 13:6 में, और वहां पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक दूत दिखाई देता है जो सारे संसार में सुसमाचार के प्रचार को फैला रहा है। प्रभु अपने वचन में जो कहता है प्रभु उसको पूरा करता है। हम उसके बड़े आभारी हैं, बड़े धन्यवादी हैं कि जो अनंत काल का सुसमाचार है, जो बदल नहीं सकता, जो वेदाग है, वो सारे संसार में प्रचार किया जा रहा है और किया गया, जिससे के एक गवाही बने। और 174 देशों में प्रचार किया जा चुका है, और हम 174 देशों तक प्रचार को ले जा पाए हैं, सुसमाचार को ले जा पाए हैं। बार बार ये कहते हैं, हम कह सकते हैं, हम आज ये बार बार कह सकते हैं, आज हम लाजमी तौर पे कह सकते हैं कि आज ये वाला संदर्भ, आज ये वचन हमारी आंखों के सामने पूरा हो चुका। ये वाला वचन जो मत्ती 24:14 में लिखा, ये हमारी आंखों के सामने पूरा हो चुका। और प्रभु कहता है, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो कि अब वो उसकी डालियां मुलायम हो रही हैं, ये सब पहले से बता दिया गया है, पुराने नियम में ही बता दिया गया था कि उसने अंजीर के पेड़ से इसका कंपैरिजन किया। और प्रभु के हम बड़े धन्यवादी हैं, हम इन बातों को देख सकते हैं, इन भविष्यवाणियों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और बता सकते हैं जो हमारे प्रभु ने कहा। जब तुम ये बातें होते हुए देखो, जब तुम देखो, तब अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार बहुत ही नजदीक है। अब देखिए, सारे संसार के लोग, सारे संसार के देश इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन के द्वारा इस वचन को सुन सकते हैं, और जो भाई लोग अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और इतनी भाषाओं में, और ये और आज भी अनुवाद किया जा रहा है और कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और सारा संसार इस बात को जान जाए कि प्रभु ने इस समय के लिए क्या ठहराया है और प्रभु क्या कर रहा है। हम ये फिर कहें, जब हम बार बार नबी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कहना चाहिए ये भी कि जो आमोस 3:7 में लिखा है, हमको ये भी कहना चाहिए, प्रभु कोई काम तब तक नहीं करता जब तक कि वो अपना गुप्त भेद नबियों को नहीं बता देता, किसी और को नहीं, किसी अनजान को नहीं, किसी साधारण आदमी को नहीं जो कहे कि मैं नबी हूं, नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु अपने नबी को जब तक कि वो प्रकाशित ना करे अपने गुप्त भेद को, जो कुछ भी उसने
वादा किया, सबसे पहले वो अपने उन सेवकों को जो नबी है उनको देता है अपना भेद, उनको देता है अपना अपने भेद का ज्ञान। और उसने कहा कि मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा उस भयानक और प्रकोपी दिन के पहले। और उसने कहा अब हमारे आगे एक दिन है उद्धार का, और जिस प्रकार से उद्धार का समय शुरू हुआ उसी तरह उद्धार का समय खत्म भी होगा। और बताता है दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस कि आज ये समय है जो उद्धार का समय। हम देखिए पढ़ते हैं, हम देखिए मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं एक बहुत अच्छी आयत, मत्ती 24 और 3 तीसरी आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पे बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें ये बता ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, हमें बता ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमें बता, हम भी जो लोग कह रहे हैं वो नहीं, प्रभु प्रभु हमें बता, हम दूसरों से नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं हे प्रभु तू हमें बता, तू हमें बता, तू हमें बता। हम तो उस चीज को ग्रहण करेंगे, मानेंगे जो तू हमें बताएगा। और यहां लिखा है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम मत्ती 24 और 37 आयत में जाएंगे, 37 आयत में जाएंगे। यहां पर देखिए क्या दिखाया जा रहा है, हमारे समय की अवस्था को बताया जा रहा है। मत्ती 24 और उसकी 37 आयत, 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसा सदोम और गमोरा के समय था और नूह के जमाने में था, इसी प्रकार से प्रभु के आने के समय में भी होगा। और फिर और हम पहला थिस्सलुनीकियों में जाएं अगले हवाले के लिए, और उसका तीसरा, पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम जानते हैं यहाँ कैसे लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 में, क्योंकि प्रभु देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर एक चेतावनी है,
क्योंकि हम हमें निर्दोष होना चाहिए और तैयार होना चाहिए कि हम जिससे कि हम ऊपर प्रभु के साथ जा सकें, हमें निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। और पहला थिस्सलुनियों और 4:15 में देखिए क्या लिखा है, 15 और 16 में, और ये और मैं भाइयों से कहना चाहता हूं जो प्रचारक भाई हैं, केवल प्रभु के वचन में जो लिखा है उसको बोलें और किसी शिक्षा को ना बोलें। के वो उस किसी तंबू में या टेंट में कोई मिनिस्ट्री होगी नहीं, जैसा कल भी हमने पढ़ा, प्रभु स्वयं यानी खुद प्रभु स्वयं अपने काम को पूरा करेगा। प्रभु किसी और के द्वारा अपने काम को पूरा नहीं करेगा। प्लीज कृपया इन बातों को कहना बंद कर दें कि ये दूसरी पराई शिक्षा कहना बंद कर दें जो कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो प्रभु के वचन में नहीं पाई जाती, ऐसी बातों को ना कहें। और प्रभु ने नबी तो भेजा कि और सारे के सारे अनुवाद जो थे वो खत्म हो गए और उसने सारी चीजें अपने दीपदान पर रख दी हैं। जब तक प्रभु नहीं आ रहा वो बातें स्थिर हैं, वो बातें बदलने वाली नहीं आने। मैं फिर कहने वाला हूं, बड़े सफाई से कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, प्रभु किसी भी पराई या गलत शिक्षा को नहीं बढ़ावा देगा, उसकी गवाही नहीं देगा, उसको प्रमाणित नहीं करेगा। हम इस सच्चे वचन में पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन में है, और वो आत्मिक सच्चाई के द्वारा उसको पाता है। पहला थिस्सलुनियों और 4:15 और 16 में देखिए क्या लिखा है, और इसलिए हम तुमसे ये कहते हैं, क्योंकि हम जो प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम ये अपनी भाषा में नहीं कह रहे, अपनी या किसी की शिक्षा से नहीं कह रहे, वहां लिखा है हम प्रभु के वचन के अनुसार कह रहे हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो पहले सो गए उनसे हम पहले हमारा कुछ नहीं होगा, इसमें कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आप ही देखिए, आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जैसे के वो शारीरिक रूप से एक देह में, उस आत्मिक देह में, जैसे वो आसमान में स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी प्रकार उसी आत्मिक देह में वो बादलों पर हमको लेने के लिए आने वाला है, और हमारे 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 जो देह है, हमारे जो जिस्म है, उनके बदलने के लिए प्रभु आप स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। आप क्योंकि हमारी जो नाशमान शरीर जो था वो जमीन में बोया गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, पर जब वो बाहर आएगा तो हमारी जो नाशमान शरीर जिंदा भी हैं वो भी बदल जाएंगे, और ऐसा शरीर हमारा हो जाएगा महिमामयी, जिस प्रकार से कि प्रभु का शरीर, जिस प्रकार प्रभु का देह। और 16 आयत में देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार के साथ उतरेगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तीन काम होंगे, तीन बात होंगे,
जब प्रभु उतरेगा उसकी वापसी होगी स्वयं जब उतरेगा तो तीन बातें होंगी तीन कार्यवाहियां होंगी तीन चीजें होंगी और शाउट जो है ललकार जो है ये जो सो रहे हैं जो प्रभु में सो रहे हैं जिससे कि हम हर बात के कनेक्शन को हर बात को समझ जाएं, जैसा यहां लिखा है कि प्रभु ऊंची ललकार और उसके बाद और प्रधान दूत का शब्द और तुरही फूंकी जाएगी। ये किस समय ये तीनों कार्यवाही कब हो रही है? जब प्रभु आसमान से स्वयं बादलों पे उतर रहा है तब जो मसीह में जो है पहले मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या हम इसको और ज्यादा सफाई से कह सकते हैं? क्या इसके लिए और किसी प्रकाशन की जरूरत है? क्या इसके लिए और किसी नॉलेज की जरूरत है या ज्ञान की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर तीन कार्यवाही होंगी और यहाँ पर और जो प्रकाशन प्रेरितों को प्रेरणा दी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उसके द्वारा ये वचन यहाँ लिखा गया जो प्रभु के जनों ने यहाँ पर लिख दिया। इसमें किसी और भी अनुवाद की जरूरत आवश्यकता नहीं है, केवल जो प्रभु का प्रमाणित और प्रकाशित वचन है हम उसको मानते हैं। और पहला थिसलोनियों 5 अध्याय में देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला थिसलोनियों 5 अध्याय 5 और 23। अब देखिए यहां पर वो आशीर्वाद दे रहा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे रूप से निर्दोष सुरक्षित रहें। देखिए सारा कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा प्राण, हमारी आत्मा और हमारी देह यानी हमारी सोल, हमारी स्पिरिट और हमारी बॉडी, ये तीनों चीज जो हैं, ये ब्लेमलेस यानी के निर्दोष और पूरी तरीके से ब्लॉटलेस और बेदाग प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। ये आखिरी पुकार है, ये वो आखिरी पुकार है जिसके अंदर वचन कह रहा है कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल के आ जाओ, उनमें से निकल के आ जाओ। और प्रकाशित वाक 18 में हम पढ़ते हैं कि वहां वो कहता है हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उस कंफ्यूजन में से, उन बुराइयों में से, झूठी शिक्षाओं में से निकल आओ। और ये जो संदेश है इसको हम विश्वास कर लें, जान लें और इसकी आज्ञा को मान लें और उन सारी शिक्षाओं में से, उन रीति रिवाजों में से बाहर आ जाएं और उन संप्रदायों से बाहर आ जाएं और उन सहभागिताओं से, मंडलियों से बाहर आ जाएं और हम जिससे कि हम पवित्र किए जाएं। काहे से पवित्र, कैसे पवित्र किए जाएं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं, क्योंकि खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन ही सत्य है, यही सत्य वचन है, इसके द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं और फिर उसके द्वारा हम उस भोज में, उस विवाहिक भोज में शामिल होंगे। और प्रभु एक वही पवित्र है और वही आशीषित है जिसका के हिस्सा पहले पुनरुत्थान में पाया जाता। कितना आशीषित है वो, और वही उस मेमने की जो प्रभु का जो भोज होगा, प्रभु का जो भोज होगा, विवाह का भोज उसमें शामिल होगा। और समय में और इस अनुग्रह का वक्त जब खत्म होगा और देखिए, और इसमें बहुत सारे अनुभव हैं,
बहुत सारे अनुभव भी हैं विश्वासियों के। हमारे प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा कि संदेश का वचन कहता है, उसके अंदर से एक ऐसा सोता फूट निकलेगा, एक ऐसी धारा फूट निकलेगी जो पवित्र होगी, जो अनंत जीवन की धारा होगी। ये हमारे वचन, ये अपने वचन में प्रभु ने कह दिया कि जो वो कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है और उसका नया जन्म होगा, वो नया किया जाएगा, वो नवीन किया जाएगा और वो बदल जाएगा, हमारे प्रभु ने कहा। और वो जो आत्मा हमारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा, और यहुन्ना बपतिस्मा देने ने भी इसके बारे में कहा था कि मैं तो तुम्हें, यहुन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, सारे संसार में ये अपने साथ ये आयत साथ ले जाएं, जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा के वचन कहता है, उसके अंदर से एक ऐसा स्रोत, ऐसी धारा निकलेगी, पवित्र धारा, जो, और ये कैसे होगा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, जब हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता, जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता, वो सोता हमारे अंदर से वो धारा नहीं फूटेगी। पवित्र आत्मा का आना बहुत आवश्यक है। जब तक पवित्र आत्मा उंडेला नहीं जाता, तब तक अंदर से वो धारा नहीं निकलेगी। जिस प्रकार से प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि जब वो इकट्ठे थे प्रभु के नाम में, जिन्होंने यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले के मैसेज को उस समय ग्रहण किया था, उनको ये आशा लगी हुई थी कि हमारे ऊपर एक दिन पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि उस नबी ने ये बोला था कि एक दिन आएगा। और आज भी आखिरी की जो वर्षा है उसमें भी जब हमको ये शिक्षा मिलती है, तब हमको भी ये पता लगता है कि एक बारी फिर से वो जो जीवन की धारा है, वो पवित्र धारा हमारे मनों से, हमारे हृदयों से, हमारे अंदर से निकलेगी और प्रकट होगी, प्रकाशित होगी। जैसा कि हमने कल भी देखा कि प्रभु वो खुद खड़ा होगा और वही अपने काम को समाप्त भी करेगा। उसका नाम ही मुबारक हो, उसके नाम की ही महिमा हो और उसके नाम को ही सारा सम्मान मिले। प्रभु हमको आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, हमारे वफादार पिता, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक तेरा ये संदेश और तेरा वचन है। हम एक एक वचन को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करते और मानते हैं प्रभु। और प्रभु हमारे को ये आज्ञा मानना सिखा कि हम पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दें तेरे सामने, और जो कुछ तेरा वचन कहता है उसको ग्रहण करें, और आसमान और जमीन पर और सारी की सारी कलीसिया, क्योंकि प्रभु जो की तैयारी तू करा रहा है, जो बुलाहट तूने दी है प्रभु तेरी दुल्हन की, हे प्रभु तूने हमें बहुत अनुग्रह दिया, बहुत फजल दिया, और तूने एक नबी भेजा हमारे जमाने में। और प्रभु हम जानते हैं, हम मान लेते हैं, हम पहचानते हैं, हम समझते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि अपने दिलों से कि तू ही है प्रभु, तूने ही अपने वचन को उस दीपदान पर रखा है जो जहां से हमको प्रकाश मिलता है। प्रभु हम तो प्रभु हमसे बात कर, प्रभु जितनों ने इसको सुना
जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु, तू उनसे बात कर अपने वचन से, अपना वचन उन्हें समझा, जिसे वो ग्रहण करें और आज्ञा माने और अपना तेरा अनुग्रह पा सकें। और जिस प्रकार से तूने कहा, जिस प्रकार तूने प्रतिज्ञा की और तूने वादा किया प्रभु, और तू करेगा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सभी लोगों के साथ, ओ प्रभु, तेरे लोग सब जगह तेरे खून खरीदे हर जगह पाए जाते हैं प्रभु। और प्रभु इस तैयारी के लिए और इस कंप्लीशन के लिए, इस समाप्ति के लिए, इस पूर्ति के लिए, सिद्धता के लिए, एक बार फिर प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं और तेरी सामर्थ और तेरे उस लहू के सामर्थ को महिमा देते हैं जो नए नियम का, जो नई वाचा का लहू है। और उस सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे वचन से हमको मिलती है और जो तू हमें बताता, सिखाता और हम पर प्रकाशित करता है, समझाता है। और तेरी पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु, और जो बारिश जो तू भेजने वाला है इस अंत समय की, और प्रभु और प्रभु और प्रभु, इससे हमारे को ऐसा होने दे कि वो अनंत जीवन का सोता हमारे जीवनों में से बह निकले, वो धारा हमारे जीवनों में से निकले, जिससे कि प्रभु हम उस स्थान को, ओ प्रभु, हम पहुंच पाए जो 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 लोग तेरे खून के खरीदे हुए हैं, उनको ये आशीष मिले और उनको उस अनंत के परमेश्वर की आशीषें मिले सारे संसार भर में, हे प्रभु। और केवल तेरे को ही, केवल तेरे को ही परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, और आज के इस दिन के लिए, और तेरे अद्भुत और अलौकिक वचन के लिए, प्रभु के पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।